सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा डिस्काउंट जिन गाड़ियों पर मिल रहा है उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैंने पोस्ट शेयर कर दी है ब्रांड वाइज कि किस ब्रांड की गाड़ियों पर कितना कितना डिस्काउंट वो ऑफर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर आप जाकर के सर्च करेंगे ओके कार 24/7 तो वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और फेसबुक पर ओके कार 24/7 सर्च करेंगे तो आपको वहां पर सारी पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी किस ब्रांड की गाड़ी पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन गाड़ियों के बारे में जिन पर सितंबर के महीने में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सितंबर के महीने में 2,90,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है गाड़ियों पर। तो स्टार्ट करेंगे कम से और जाएंगे 2,90,000 रुपये तक की गाड़ी पर। चलिए शुरुआत करते हैं इनोवा क्रिस्टा के साथ। इनोवा क्रिस्टा पर आपको 15,000 रुपये के कंज्यूमर ऑफ़र, 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 20,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि टोटल 55,000 रुपये के बेनिफिट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। इनोवा क्रिस्टा आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। 10.75 टू 15.1 की एमपीएल का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 15,67,000 से शुरू होकर के 24,68,000 रुपये तक जाती है। दूसरी गाड़ी है टाटा की हैरियर। टाटा हैरियर पे आपको 25,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 40,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 15,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है, यानी टोटल 80,000 रुपये के बेनिफिट्स टाटा हैरियर पर आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा टाटा हैरियर के डार्क एडिशन पर आपको 40,000 का एक्सचेंज बोनस और 15,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है, यानी तकरीबन 55,000 रुपए के बेनिफिट्स यहां आपको टाटा हैरियर के डार्क एडिशन पे मिल रहे हैं। टाटा हैरियर केवल डीजल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इस गाड़ी का माइलेज 14.632-16.35 KMPL क्लेम किया जाता है। टाटा हैरियर की दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 13,83,000 से शुरू होकर के 20,30,000 रुपए तक जाती है। डार्क एडिशन के प्राइजेस भी इसमें शामिल है। डार्क एडिशन की प्राइस 17,84,000 रुपए से शुरू होती है। Hyundai Grand i10 BS6। यहाँ पर मैं नियोस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ग्रैंड i10 BS6 की बात कर रहा हूँ, जिस पर आपको 40,000 का कैश डिस्काउंट, 15,000 का एक्सचेंज बोनस और 5,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 60,000 रुपए के बेनिफिट्स यहाँ आपको मिल रहे हैं। Hyundai Grand i10 केवल पेट्रोल में आती है, ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन में। 19.77 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। इस गाड़ी के दो वेरिएंट मार्केट में बिक रहे हैं, Grand i10 मैग्ना और Grand i10 स्पोर्ट्स। मैग्ना की एक्सशोरूम प्राइस 6,06,000 से शुरू होती है और स्पोर्ट्स की एक्सशोरूम प्राइस 6,38,000 से शुरू होती है। अगली गाड़ी है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के S5 पर आपको भारी भरकम डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 20,000 का कैश डिस्काउंट, 10,000 की एसेसरीज, 25,000 का एक्सचेंज बोनस और 5,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है, यानी टोटल 60,000 रुपये के बेनिफिट्स यहां आपको मिल रहे हैं। स्कॉर्पियो केवल डीजल वेरिएंट में आती है, मैनुअल ट्रांसमिशन में। 15 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। स्कॉर्पियो S5 स्कॉर्पियो का बेस वेरिएंट है, जिसकी एक्सशोरूम प्राइस 12,48,000 रुपये से शुरू होती है। बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, टोयोटा की यारिस। टोयोटा यारिस पर आपको 20,000 के कंज्यूमर ऑफर्स, 20,000 का एक्सचेंज बोनस और 20,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है, यानी टोटल 60,000 रुपये के बेनिफिट्स यहां मिल रहे हैं। टोयोटा यारिस के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये गाड़ी केवल पेट्रोल में आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। 17.18 टू 18.1 KMPL का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। इस गाड़ी की दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 8,87,000 से शुरू होकर के टॉप एंड वेरिएंट के लिए 14,31,000 रुपये तक जाती है। अगली गाड़ी है होंडा की सिविक। होंडा के सिविक पेट्रोल और सिविक डीजल पर अलग अलग बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। पेट्रोल वेरिएंट की बात करें तो इस पर आपको 1,00,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं होंडा सिविक के डीजल वेरिएंट पर आपको 2,50,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। होंडा सिविक की इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इस गाड़ी का माइलेज 16.5 टू 23.9 KMPL क्लेम किया जाता है। होंडा सिविक की दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस पेट्रोल वेरिएंट के लिए शुरू होती है 17,94,000 रुपए से, और टॉप एंड पेट्रोल वेरिएंट के लिए प्राइस जाती है 21,25,000 रुपए तक, और डीजल वेरिएंट के लिए एक्सशोरूम प्राइस शुरू होती है 20,75,000 रुपए से, और टॉप एंड वेरिएंट के लिए प्राइस जाती है 22,35,000 रुपए तक। अगली गाड़ी है महिंद्रा की अल्ट्रा G4। महिंद्रा की प्रीमियम SUV, जिस पर आपको 2,90,000 रुपए के बेनिफिट्स मिल रहे हैं सितंबर
2020 में। इस गाड़ी पर आपको 2,40,000 का तो कैश डिस्काउंट मिल रहा है और 50,000 का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। महिंद्रा की तरफ से ये गाड़ी एक प्रीमियम SUV है जो केवल डीजल वेरियंट में आती है। केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 2157 cc का डीजल इंजन 12.03 kmpl का माइलेज देता है। इस गाड़ी के दो वेरिएंट मार्केट में आते हैं, अल्टुरस G4 टू व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक और अल्टुरस G4 फोर व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक। अल्टुरस G4 टू व्हील ड्राइव की कीमत शुरू होती है एक्सशोरूम 28,73,000 रुपए से और अल्टुरस G4 फोर व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक की कीमत शुरू होती है 31,73,000 रुपए से। इस गाड़ी पर आपको 2,90,000 रुपए के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया है आपको पिछले महीने 25 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों के बारे में। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर कारों से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। तो OKCar247 को इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको कार जगत से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।